बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसे लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। तो अब मल्लाहों के 4 से 6% वोट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मल्लाहों का वोट बैंक एक साथ जिधर शिफ्ट होगा, चुनाव का रिजल्ट उधर झुक सकता है। मल्लाह वोट बैंक पर टिकी सबकी नजर। वीआईपी के बाद जेडीयू मल्लाहों को साधने में जुटी। मंत्री मदन सहनी मल्लाहों को एकजुट करने में जुटे। बिहार में इन दिनों मल्लाहों को साधने में सभी पार्टी जुट गई है। एक तरफ मल्लाह बिंद समाज की राजनीति वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी करते हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू कोटे से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी मल्लाहों को साधने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। मंगलवार से मदन सहनी ने मोतिहारी से पदयात्रा की शुरुआत की। जगह जगह उनका कारवां रुकेगा और वह लोगों को एकत्रित करें। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और एकत्रित कर पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। मदन सहनी ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझ कर मल्लाह समाज की उपेक्षा कर रही है। यही संकल्प इस पद यात्रा का है और हम लोग को हर हाल में आखिर केंद्र सरकार को अति पिछड़ों से किस बात का नफरत है। हम लोग अगर उनको मत देते हैं तो उनको सरकार बनता है, दूसरे को आगे लाने के लिए हर बाधा को पूरा करते हैं, हर बाधा को पूरा करने के बाद उनको अधिकार देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पीछे है सरकारी नौकरी में हो या आर्थिक स्थिति हो, हर चीज में हम लोग पीछे हैं। हम लोग को अपना अधिकार चाहिए, हम लोग को आरक्षण चाहिए, और आरक्षण से न हम लोग को ज्यादा चाहिए और न ही आरक्षण से हम लोग को कम चाहिए। वहीं खुद को सनफ मल्लाह बताने वाले मुकेश सहनी का कहना है कि जेडीयू केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का आयोजन कर रही है। मुकेश सहनी ने दावा किया कि मल्लाह वोटर पूरी तरह उनके साथ हैं। समाज के हक अधिकार के लिए सभी का को लड़ना चाहिए और हम लोगों ने पिछले 8 साल से लगातार लड़ रहे हैं, और मेरे ही कहने पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट पास करके दिल्ली भेजे हैं। हमारा ही रोड मार्च था जिसमें लाठी चार्ज हुआ और ठीक उसके 24 घंटे के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा किए हैं केंद्र सरकार को, और उसके बाद लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में 4 से 6% वोट मल्लाहों का है और ये बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि मल्लाहों का वोट बैंक एक तरफ जिधर शिफ्ट करेगा उससे चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।